नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस एपिसोड में मैं आपको अमरनाथ यात्रा की जानकारी दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 27 जून से अमरनाथ यात्रा चालू हो जाएगी। आपके परिवार और काफ़ी रिलेटिव्स उसके लिए सोच रहे होंगे। मैं नवीन देसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने ट्रैवल इंडिया चैनल में। तो अमरनाथ यात्रा की जानकारी के लिए आप देखते रहिए ये एपिसोड। तो अब शुरू करते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे पहले आपको श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचना होगा। आप चाहे दिल्ली से बिलोंग करते हैं या अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता, हर जगह से डायरेक्ट फ्लाइट और कनेक्टिंग फ्लाइट आपको श्रीनगर के लिए मिल जाएगी। काफ़ी ट्रैवलर्स बाय रोड भी श्रीनगर आते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, लेकिन इस एपिसोड में मैं आपको बाय फ्लाइट ही अमरनाथ यात्रा के बारे में जानकारी दे रहा हूँ अभी। अगर आपको बाय रोड कोई भी जानकारी चाहिए है तो प्लीज़ आप मुझे इनबॉक्स में मुझे मेल कर सकते हैं, मेरी ट्विटर आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एयरपोर्ट पहुँचते हैं श्रीनगर के। श्रीनगर पहुँच के हम अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पड़ाव जो रहेगा वो रहेगा सोनमर्ग। सोनमर्ग बेसिकली पूरा वैली है अमरनाथ यात्रा के लिए, सोनमर्ग से ही गुजरते हैं। हमारा पहला नाइट स्टे जो होता है वो सोनमर्ग में होता है। हम पहली रात सोनमर्ग रुकते हैं और सोनमर्ग के साइट सीन हम करते हैं। बेसिकली मैंने बताया कि सोनमर्ग एक वैली है। सोनमर्ग के पास थिजवस ग्लेशियर है जहाँ पूरे 12 महीने स्नो रहती है। आप स्नो का अगर आनंद लेना चाहते हैं तो आप ये ग्लेशियर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग हम उठ के बालटाल की तरफ बढ़ते हैं। बालटाल बेसिकली बेस कैंप है अमरनाथ यात्रा के लिए। बालटाल से हमारी अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमरनाथ यात्रा आप बालटाल से और पहलगाम से दोनों जगह से कर सकते हैं, लेकिन मैं इस एपिसोड में आपको बालटाल से बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप मुझसे मेरे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। बालटाल से बाबा बर्फानी की गुफा 14 किलोमीटर दूर है। काफ़ी लोग पैदल यात्रा भी करते हैं, खच्चरों से भी यात्रा करते हैं और काफ़ी लोग हेलीकॉप्टर से भी ये यात्रा करना पसंद करते हैं। अगर ये यात्रा आपको हेलीकॉप्टर से करनी है तो हेलीकॉप्टर भी आपको बालटाल से ही मिलेगा। बेसिकली बालटाल हेलीपैड भी है जहाँ से आप हेलीकॉप्टर ले सकते हैं। और हेलीकॉप्टर अगर आपको बुक करना है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सीधा श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से आप लिंक पा सकते हैं। बेसिकली अमरनाथ जो हेलीकॉप्टर फ्लाई करते हैं वो ग्लोबल विक्टर है, हिमालयंस है और पवन हंस के हेलीकॉप्टर हैं जो आपको यात्रा कराते हैं। बालटाल से आप फ्लाई करके पंचतरणी पहुँचते हैं। वहाँ से फिर आपका पैदल रास्ता या आप पोनी या खच्चर से आप आगे की यात्रा पूरी करते हैं। जिन यात्रियों को स्नान करना होता है वो पंचतरणी में स्नान करके गुफा की तरफ आगे बढ़ते हैं। पंचतरणी से करीब करीब 6 किलोमीटर का हमें ट्रैक पूरा करना होता है बाबा अमरनाथ की गुफा तक पहुंचने के लिए। और पंचतरणी से ही हमें पहले जो दृश्य दिखता है बाबा अमरनाथ गुफा का। और मैं आपको बाबा अमरनाथ की गुफा का महत्व बता दूँ। बेसिकली यहाँ बाबा अमरनाथ जी, शिवजी भगवान, हमारे आद्य देव शिवजी भगवान ने पार्वती माता को अमर होने की कथा यहाँ सुनाई थी, लेकिन कथा के दौरान पार्वती माता सो गई और इस कथा को सुनते हुए एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा जो सफ़ेद रंग का है, वो कभी कभी सुनने में आता है कि बाबा अमरनाथ की गुफा के यहाँ दिखते हैं, उन्होंने वो कथा सुनी और वह अमर हो गए। इस गुफा में बाबा अमरनाथ एक बर्फ़ के शिवलिंग के रूप में हमें दर्शन देते हैं। बाबा अमरनाथ के दर्शन करके हम फिर वापसी बालटाल बेस कैंप लौटते हैं। बेस कैंप लौटने के बाद फिर हम वापसी श्रीनगर चलते हैं। और अब हम वापसी में श्रीनगर के साइट सीन करेंगे, जैसे मुग़ल गार्डन,
निशांत बाग। इस रात हम श्रीनगर स्टे करेंगे। हम यहाँ हाउस बोट में भी स्टे कर सकते हैं या होटल में भी स्टे कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप होटल में स्टे करें, क्योंकि हाउस बोट में काफ़ी गंदगी होती है, बाहर डल लेक में मच्छर भी होते हैं। आप हाउस बोट के लिए ना ही प्रेफर करें तो अच्छा रहेगा। डल लेक में आप शिकारा राइड एंजॉय कीजिए, वो काफ़ी अच्छा है। शिकारा राइड के दौरान आपको वहाँ लोकल मार्केट भी दिखाई जाएगी, जहाँ से अगर आपको शॉपिंग करनी तो कीजिए, लेकिन मैं ये सलाह दूंगा कि शॉपिंग ना ही करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ बेसिकली काफ़ी महंगा सामान मिलता है। वही सामान आप अगर बाहर लाल चौक की मार्केट या बाहर मार्केट से लेंगे तो वो आपको ज़्यादा सस्ता रहेगा। जो पिक्चर आपको दिख रही है बेसिकली वो चार चिनार की है, ये भी काफ़ी फेमस है डल लेक में। ये चार चिनार के पेड़ एक छोटे से टापू पे बने हुए हैं। वैसे तो श्रीनगर में और भी काफ़ी साइट सीन है, लेकिन मैंने मेन मेन आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है अमरनाथ यात्रा से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे ट्वीट कर सकते हैं, मेरी जीमेल की आईडी पे मुझे मेल करके आप पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।